एग्जाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री PDF सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा BPSC एग्जाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, बिहार में जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इसका इम्पोर्टेंस आप 67वीं का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें GS2 का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसको निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में करेंगे, और सामने जो भी लिखा हुआ है, जो भी डाटा आपको दिखेगा, जो भी स्कीम्स देखेंगे गवर्नमेंट का, जो भी टारगेट दिखेगा, सारे बिहार के जो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है ना 2022 और 23, उससे लिया गया है, ठीक है, जो 666 पेज का है, ठीक है ना, उससे लिया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और मैं इसमें सारे चीज़ को कवर कर दूंगा बिहार के, उसके बाद बिहार के एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज है, उसको देखेंगे। उसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं ना इकोनॉमिक सर्वे को, सारों को इसको थ्रू पढ़ेंगे। ये आपको जो बिहार का 68वीं मेंस होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। अब लिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन क्या है कि ये बाइलिंगुअल में बोलूँगा, उसे समझ जाइएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है दोस्तों कि जो इंडस्ट्रीज़ है ना, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस इंडस्ट्री है ना, वो दो है, शुगर इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री, मतलब चीनी वाला जो इंडस्ट्री है और दूध उत्पादन वाला इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन GVA में बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता होगा कि पहले हम GDP पर निकालते थे ग्रोथ रेट, अब हम फोकस करते हैं किस पर, GVA पर, ठीक है। तो अब देखो, अब बिहार के जो इंडस्ट्री है ना, उसके थोड़ा डाटा देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हम कोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा देखिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप हमेशा यही डाटा आपको सबसे अलग बनाएगा और ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री वाले चैप्टर खोलिएगा तो उसमें बताया गया है कि इंडस्ट्री में बिहार जो है ना लैग करता है, खासकर जब झारखंड का जो क्रिएशन हुआ था, तो बहुत सारे जो मिनरल रिसर्च रिसोर्स एरियाज जो है ना, वो झारखंड में चले गए थे, हमारे पास बहुत ही कम बचा था। तो बिहार में जो इंडस्ट्री है ना, खासकर अगर आप देखोगे तो आगे हम इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो कैपेबिलिटी है ना बिहार में बहुत ही कम है। काहे कि जितने भी मिनरल्स रिसोर्स सारे झारखंड में चले गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो बिहार में, तो सबसे अभी जो एक साल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो है शुगर इंडस्ट्रीज़, उसके बाद डेयरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और अगर कंट्री का देखें कि पूरे कंट्री में कौन सा स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस मामले में बिहार का कंट्रीब्यूशन मात्र 0.5% है। तो अगर आपको आएगा क्वेश्चन में, तो आप इसको चैलेंजेस में मेंशन कर सकते हैं। चैलेंजेस अब लिखोगे ना कि भाई बिहार में क्या क्या चैलेंजेस है जो आगे हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें बोल सकते हो कि बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों, सिर्फ 0.5% है कंट्री के GVA में, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा बहुत जो डाटा दिया है ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, GDP में वो कितना है वो देख लेते हैं। तो अगर इंडिया लेवल पर देखें तो वो है 30.1%, मतलब क्या है, 30.1% है, इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं बिहार का देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से 19.4 है। अब ये क्या हुआ दोस्तों कि जो अभी जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे है उसमें यही बताया है कि बिहार में क्या रहा। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या है ना, पिछले साल का होता है, जैसे हम 22 और 23 बोल रहे हैं ना, तो इसमें जो डाटा दिया गया होगा ना, वो दिया गया होगा 20 और 21 का, ठीक है ना, ये सब दिया गया होगा। तो आपको देखो, अब बिहार का जो क्या है अभी 19.4 है, और अगर आप देखिएगा तो स्लाइड डिक्लाइन हुआ है। क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। 2016-17 में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था बिहार के जो GDP में है, उसमें कितना था, 21.1, लेकिन 20-21 में कितना हो गया, ये हो गया 19.4 हो गया, ठीक है। अगर
देखा जाए तो 18 ऐसे मेजर स्टेट हैं, उसमें से अगर 4 स्टेट ऐसे हम निकालते हैं, इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका कंट्रीब्यूशन 40% से भी ज़्यादा है। वो कौन है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। और आपको पता होगा कि वही झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, वो इंडिया के जो इंडिया में तो कंट्रीब्यूशन करता ही है टॉप 4 में, लेकिन अपने स्टेट के जो GVA जो है ना, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 41.6%। ठीक है, अब देखो, अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार के 2 भागों में बांटा गया है इंडस्ट्री को। एक है इंडस्ट्री जो कृषि से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं एग्रो वेस्ट, और एक है कृषि से संबंधित नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एग्रो वेस्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ एग्रो वेस्ट ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब एग्रो वेस्ट में अभी तक जितने ऑपरेशनल इंडस्ट्री है ना, जो अभी तक चलित है, चालू है, वो है 1128 और 1808। ठीक है, अब देखो, अब एग्रो वेस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट किया है, डेट इज़ शुगर एंड डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस आगे हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है BPSC मेंस के लिए। आपको पता होगा कि 67वीं में क्या पूछा था, मिनरल्स के बारे में पूछ दिया था। ठीक है ना, तो हो सकता है कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या है, मेजर कैश क्रॉप है, कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, और अभी तक जो ऑपरेशनल है ओवरऑल कितना है, 28 में से जो अभी तक ऑपरेशनल है वो सिर्फ 9 है, मतलब 9 ही चालू है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके अगर डाटा को देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो हुआ था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है शुगर का, वो है पिछले साल 473 लाख क्विंटल। ठीक है, जो अगर हम देखेंगे तो 20-21 में कितना था, 460 था, लेकिन 21-22 में कितना हो गया, 473 लाख क्विंटल, मतलब इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो इसका स्कोप जो है ना, नॉर्थ बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता होगा कि नॉर्थ बिहार में पानी की समस्या, बिहार को 2 भाग में बांटा गया है, तो नॉर्थ बिहार में पानी की समस्या ना के बराबर होती है। ठीक है, खुद पानी की समस्या कैसे होगी, बाढ़ से ही ग्रसित रहता है वो स्टेट। तो इसमें क्या है कि नॉर्थ बिहार में इसका काफ़ी स्कोप है, और बिहार का सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस में होता है दोस्तों, वेस्ट चंपारण में। ये भी आप एग्जाम्पल के तौर में आप दे सकते हैं। एरिया जो कवर करता है वो है लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब इसका एक भी फायदा है कि सिर्फ हम अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज़ को उपजाते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ को हम उपजाते हैं तो उसके 2 बाई प्रोडक्ट निकल सकते हैं। एक तो हम उससे इथेनॉल भी उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ बिजली भी करते हैं। इथेनॉल में आपको पता होगा कि इथेनॉल पॉलिसी बिहार एक पहला राज्य है जो लाया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार में शुगर इंडस्ट्रीज़ का क्यों, मतलब अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों बना है, क्यों मतलब सूटेबल है बिहार के लिए, तो नॉर्थ बिहार में पानी की कमी होती है। ठीक है, और इसके लिए हम इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी भी सब प्रोडक्ट हम उससे बना सकते हैं, और इथेनॉल बनाने के लिए उसका जो चाहिए शुगर केन चाहिए वो बिहार में है। शुगर के अलावा जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मकई का जो बचा हुआ जो कचरे बच जाते हैं उससे भी हम उपजाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सूटेबल इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, और बिहार में देखा जाए तो दिन पर दिन जो क्रशिंग होता है ना, जैसे अब गन्ना जो फार्मर है, किसान है, लेके जाता है मिल में, तो उसको पेरते हैं, पेर के क्या करते हैं, चीनी निकालते हैं, तो उसको हम क्रशिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहा है। बगहा शुगर मिल में देखा जाए तो एक दिन में 8,000 टन को पेर देता है, वहीं हरिनगर शुगर मिल में 11,500 टन को पर डे क्रश कर देता है, पेर देता है। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्रीज को इसलिए बढ़ावा देते हैं ना कि उसका एक जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, दो कौन कौन निकलेगा, एक है इथेनॉल और दूसरा है बिजली इलेक्ट्रिसिटी। तो इथेनॉल कैपेसिटी अगर हम देखें तो आपको क्या है कि देखो, अब ये भी इंक्रीज हुआ है 2020-21 में, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा सारे डाटा जो दिख रहा है सारे इकोनॉमिक सर्वे का है, तो वो हम लोग क्या करते थे कि 395 किलो लीटर पर डे प्रोड्यूस करते थे,
लेकिन एज पर इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में क्या बोल रहा है कि हम 21-22 में कितना किए हैं, 470 किलो लीटर पर डे। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख लो। अब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, शुगर केन से, वो कितना है, तो 88.5 मेगावाट, 88.5 मेगावाट, ठीक है। और पूरे जो ऑपरेशनल 9 जो शुगर मिल है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने वाला हरिनगर शुगर मिल है, जिसका क्षमता है 14.5 मेगावाट, जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और एक और डाटा जो उसमें दिया गया है कि वर्किंग डेज होता है, अगर सपोज करो कि शुगर केन का क्या है, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होता है और मार्च के आसपास में क्लोज होता है, तो एक टेन्योर रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम एवरेज जितने भी ऑपरेशनल शुगर केन है, शुगर मिल है, उसका क्या है एवरेज डेज, तो 77 डेज है। तो आप अगर चैलेंजेस या सजेशन में लिख रहे हैं, सजेशन में वे फॉरवर्ड में लिख रहे हैं, तो उसमें आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भाई ये 77 दिन को है ना कम से कम बढ़ा के 120 दिन किया करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब तो ये ओवरऑल शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात किया है। अगर अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, जो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले शुगर केन चीफ मिनिस्टर शुगर केन शुगर डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला गया है, CM शुगर डेवलपमेंट प्रोग्राम नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। उसमें क्या किया गया है कि सीड प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि सीड को प्रोडक्शन करेंगे, और तीन टाइप्स के सीड्स को, जो बीज होते हैं ना, तीन टाइप्स के बीज को ज़्यादा फोकस किया है, जिसके क्या कर सके हम, जो प्रोडक्शन है उसको हम इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्टिविटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी अभी बहुत ही कम है, प्रोडक्टिविटी दोस्तों बहुत ही कम है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो इनिशिएटिव है शुगर केन को बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम क्या है कि CM शुगर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें फोकस क्या किया है कि तीन टाइप्स के सीड्स को दिया जाएगा फार्मर को, जैसे जिससे कारण क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों बढ़ाया जा सके, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक छोटा सा खेत में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो तीन सीड्स प्रोडक्शन प्रोग्राम कौन कौन है, तो ब्रीडर सीड्स को किया जाएगा, फाउंडेशन सीड्स को एंड सर्टिफाइड सीड्स को, तीनों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा क्या किया जाता है दोस्तों, उसके अलावा अगर SC ST कम्युनिटी के लोग अगर शुगर केन को गन्ने को उत्पादन करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा असिस्टेंस दिया जाएगा, दैट इज़ सेकेंड इनिशिएटिव। तीसरा इनिशिएटिव है कि अगर किसान को मोटिवेट किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, खाद होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट से, जैसे नीम का खाद हो गया, बायो कंपोस्ट में क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट का नाम सुने होंगे, जो गोबर उबर को चारे उरे डाल के बनाया जाता है, तो सरकार बोलती है कि अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो अपने ज़मीन पर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सरकार क्या किया है कि बहुत सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप को स्टार्ट किया है, जिससे फार्मर्स को पता लगे कि कैसे हम उत्पादन करना चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है, ओवरऑल गाइडेंस देना है उनको, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे अगर देखें, तो उसमें शुगर का जो प्रोक्योरमेंट रेट है वो 10% है, ठीक है। अब देखो कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, शुगर केन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब एक हेक्टेयर में बिहार में लगभग 60 टन के आसपास ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। वेदर का बहुत ही बड़ी समस्या है, जिस समय फ्लड बाढ़ ज़्यादा आ गया, उस समय खेत में वाटर लॉगिंग इस सब का प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है फार्मर को, जिसके कारण क्या होता है, शुगर केन का जो जड़ होता है ना, शुगर केन का जो जड़ होता है वो ज़्यादा देर तक अगर वाटर में रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन सड़ जाएगा, तो शुगर केन ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की कमी है, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है कि मशीन्स वगैरह की कमी है। अभी भी देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर को ढूंढते रहते हैं कि हंसुआ उसुआ लेके आएगा और क्या करेगा, गन्ना को काटेगा। और वही आप फॉरेन कंट्री में देखो तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मशीन आता है सटासट काट के चला जाता है, ठीक है। हाई कॉस्ट, देखो अब शुगर को उपजाने में
उस उपजाने में आपको क्या क्या चाहिए, बीज चाहिए, उसके अलावा खेत को अच्छे तरीके से जोतना होता है, उसका अलग तरीके से बनाना होता है, उसके अलावा आप खाद उद पानी उनी बहुत मांगता है इसमें, तो हाई कॉस्ट है लेकिन प्रोडक्शन लो है, ठीक है, ये भी चैलेंजेस है। अगला चैलेंजेस है प्राइस कंट्रोल। प्राइस जनरली कौन करती है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये भी एक मतलब डीमोटिवेट करता है शुगर मिल इंडस्ट्रीज वाले को चलाने के लिए, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, अगर आप देखोगे तो बिहार का जो अभी एवरेज लैंड होल्डिंग जो है जिस पर खेती होता है वो 0.39 है पर पर्सन, ठीक है, मतलब क्या है कि एवरेज एक आदमी पर सिर्फ उसके पास 0.39 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो इतने में कितना उगा लेगा शुगर केन, ठीक है ना। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज। एक्सपोर्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप बाहर को एक्सपोर्ट कर सके, बाहर इन द सेंस कि आउटसाइड स्टेट एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, वो भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हो गया। शुगर इंडस्ट्रीज को हमें क्यों बढ़ावा देना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले देख लिए थे कि क्या क्या मतलब स्कोप क्या क्या है, क्यों बिहार में अट्रैक्ट होना चाहिए, उसके अलावा और क्या फ़ायदे कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या करेगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। डायरेक्टली एक शुगर मिल 3000 बंदे को एम्प्लॉयमेंट देता है, इनडायरेक्टली 10000 को। अब इनडायरेक्टली में क्या होता है कि कोई किसान क्या किया, शुगर गन्ना काटा, तो गन्ना काटने के लिए उसको लेबर चाहिए, तो लेबर को पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको लोडिंग करेगा ट्रैक्टर पर, तो वहाँ भी लेबर, वो अलग लेबर होता है, काटने वाला अलग होता है, इसके अलग होता है, इसको भी पैसा मिलेगा, ट्रैक्टर वाले को पैसा मिलेगा, ठीक है, भाड़ा वो कमाएगा। उसके बाद ट्रैक्टर में जो ड्राइवर चलाएगा वो ड्राइवर भी पैसा लेता है पर डे का 500 रुपया, उसके अलावा तेल का खर्चा। तो ओवरऑल बहुत सारे जो नीचे वाले जो स्तर पर है ना, बहुत सारे लोग इंगेज्ड होते हैं इसमें, तो सबको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब अगर एक चीनी मिल है तो एक चीनी मिल से लगभग डायरेक्ट 3000 बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इनडायरेक्ट 10000। तो सोचो अभी 9 चल रहा है, अगर सारे जो 2800 के 2800 ऑपरेशनल हो जाएगा तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बेरोजगारी कितना कम कर देगा, ठीक है, पॉवर्टी को कम कर सकता है। अभी MPI का जो रिपोर्ट आया था, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया था, उसमें बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है, जो कितना है 51.91%, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में दो ही फेमस इंडस्ट्री है, या एक शुगर ले लो या एक डेयरी ले लो, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा तो हम प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो फार्मर के किसान फार्मर जो है उनके पैसे को डबल करना, वो पूरा हो जाएगा। तो अभी हाल में ही इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में पर कैपिटा इनकम कितना है, 54483। पहले कितना था, पहले 55000 के आसपास था, लेकिन वो डिक्रीज हुआ, सोचो। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल, मतलब अगर हम शुगर केन को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो एक तरह से उसका जो रॉ मटेरियल्स इथेनॉल को प्रोडक्शन के लिए मिलेगा। और उसमें आप कोटेशन में एग्जांपल दे सकते हैं कि पूर्णिया में पहला चल रहा है, दूसरा का गोपालगंज में खुल रहा है। तो अगर हम कहीं ना कहीं इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज का जो सपना है, जो टारगेट है, उसको भी पूरा कर पाएंगे। तो एक दूसरे से सब लिंक है, ठीक है। तो चैलेंजेस हो गया, वाई टू डेवलप हो गया, अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। देखो, शुगर केन का एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, शुगर केन इंडस्ट्री का एक प्रॉपर विजन होना चाहिए कि भाई इतने साल में हमको इतना टारगेट कंप्लीट करना है, इतने को जनरेशन देना है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को हमको इतना बढ़ाना है, क्या क्या कमियां है उसको करना है, ऐसे कुछ करके एक रोड मैप होना चाहिए जो अब्सेंट है। अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट रोड मैप लेके नहीं आई है, ठीक है। रिसर्च होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक छोटे से ज़मीन, मतलब एक ज़मीन में बहुत कम प्रोडक्टिविटी क्यों है, कहीं सॉइल्स का तो कमी नहीं है, किसान ज़्यादा सॉइल तो यूज नहीं कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स आँख बंद मूंद के तो नहीं डाले जा रहे हैं, NPK जो डाला जाता है वो तो नहीं डाल रहे हैं, वाटर का प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, बीज तो सही डाल रहे हैं कि नहीं है, तो ये सब देखना जरूरी होता है। और इस सब के लिए प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। और क्या कर सकते हो कि जो रिवाइव करना है, जो पुराना जो नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है शुगर मिल, उसको क्या करना है, आपको फिर से जीवित करना है। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन क्या हो गया आपको दोस्तों, शुगर केन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज जो है ना, मतलब दूध उत्पादन, उसमें देखो
तो दूध उत्पादन में बिहार का सबसे जो बड़ा रोल होता है ना वो इसका है, कॉम्फेड का। कॉम्फेड को अगर देखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, जो पूरे दूध का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होता है ना सारे इसी के देखरेख में होता है, ठीक है। एक नेटवर्क ऑफ विलेज को इस्टेब्लिश करता है, जिससे क्या होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अभी कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38 को डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करेगा पूरे विलेज में, जिससे दूध का उत्पादन को प्रॉपर चैनलाइज करेगा कि दूध आप उत्पादन कीजिए और इसको मंडी टाइप का जो होता है जहाँ पर दूध कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर लाइए और फिर इसका आगे का जो प्रोडक्ट होगा इससे बना जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब क्या है कि कोई बच्चे उच्चे पैदा करना है या गाय भैंस का, तो आर्टिफिशियल भी इसका एक सेंटर खोला है, इस पर वर्क कर रहा है और पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है हर जगह की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना कि आप गाय भैंसी को लेके घूमते रहेगी साढ़ कहाँ है साढ़ कहाँ है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर सेंटर्स रहेगा जिसमें हाईब्रिड के स्पर्म्स होंगे, जिससे तगड़े तगड़े बच्चे पैदे होंगे और दूध भी ज़्यादा उसमें से निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड कैटल, कैटल फीड, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जो पशु हैं जनरली देखो, अब डेयरी इंडस्ट्री में हम सिर्फ कॉम्फेड का रोल देखेंगे, लाइव स्टॉक के बारे में है ना, हम लोग जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री करेंगे ना, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें हम लाइव स्टॉक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंडस्ट्रीज के बारे में देख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड कैटल फीड, मतलब गाय भैंस क्या खाएंगे, प्रॉपर तरीके से उनका वजन क्या होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी दूध का उभर सके, ठीक है। और हेल्थ ऑफ एनिमल पर ज़्यादा ध्यान देने की बात की है। तो ये सब हो गया, हम लोग इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड कर लिए और एग्रो बेस्ड में दो कर लिए सॉरी दो कर लिए, एक हो गया आपका डेयरी वाला और एक हो गया आपका शुगर केन, ठीक है। आगे हम करेंगे नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।